जम्मू कश्मीर में भारत के सब नागरिक आवागमन कर सके, इसको सोचने का काम कौन करेगा? जम्मू कश्मीर से जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई निकाले गए हैं, उन कश्मीरी पंडित भाइयों को उनके जीवन और सम्मान के विषयों को देने का काम किया जाए, उसको देने का काम कौन करेगा? और महोदय, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हमने देखा है गरीबों की बात आती है, आधार कानून की बात आई, विरोध करने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया। जब इस देश में ओबीसी के रिजर्वेशन की बात आई, विरोध करने का काम, सेलेक्ट कमेटी का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया। जब महिलाओं की बात आई और ट्रिपल तलाक की बात आई, तो उसको भी विरोध करने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया। और आज जब हम जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए, जम्मू कश्मीर को भारत की एकता और अखंडता के साथ भारत के सब राज्यों से मिलाने के लिए हम 370 को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं, तो उसको भी विरोध करने का काम कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। मेरा ये और इस अवसर पर मैं बधाई देना चाहूंगा कि सभी दलों में आज बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार से राष्ट्रवाद के विषय पर आकर के इसको समर्थन दिया है, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। यहाँ पर अनेकों दल के लोग बैठे हैं, अनेकों दल के सांसदों के द्वारा हमारा विषय शुरू किया जाएगा, लेकिन हमारा जो विषय शुरू किया जाएगा उसमें अनेकों दलों का यहाँ पर समर्थन प्राप्त होने वाला है। मैं आज ये आह्वान करना चाहता हूँ कि भारत के लिए एक ऐतिहासिक गौरव का क्षण आया है। वो ऐतिहासिक गौरव का ये क्षण है कि भारत की एकता और अखंडता के लिए जो विलय जम्मू कश्मीर का हुआ था, जिसकी आकांक्षा के लिए एक लंबे समय से जम्मू कश्मीर के लोगों की, लद्दाख के लोगों की जो आकांक्षा थी, जो भारत की आकांक्षा थी, उसको पूरा करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। मैं सबको ये आह्वान करना चाहता हूँ कि इस डिबेट को क्यों नहीं हम इस डिबेट के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का विकास कैसे होगा। जम्मू कश्मीर के विकास में पिछले 5 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे वहाँ पर IIT खोलने का विषय हो, चाहे जम्मू कश्मीर में IIM खोलने का विषय हो, चाहे जम्मू कश्मीर में एम्स के हॉस्पिटल खोलने का विषय हो, लेकिन उसके साथ साथ आज जम्मू कश्मीर के विकास के लिए हम लोगों को आगे आना होगा। आखिर क्यों कांग्रेस के लोग ये नहीं बताते हैं कि 70 सालों में जम्मू कश्मीर में SC ST को रिजर्वेशन क्यों नहीं मिला, जम्मू कश्मीर में OBC को रिजर्वेशन क्यों नहीं मिला? इस मामले पे कांग्रेस के लोग चुप रहे, क्योंकि उसके लिए अगर कोई बीच में कोई विषय था तो धारा 370 का विषय था। इसलिए जम्मू कश्मीर में सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए आज 370 को समाप्त करने का एक सही संकल्प पारित किया गया है। महोदय, आपके माध्यम से मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि जब 370 को एन गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा भी जब मूव किया गया था, तब भी यही विषय कहा गया था कि ये एक किस्म से टेम्परेरी क्लॉज है, और इस देश के संविधान को हम लोगों ने एक लचीले संविधान के रूप में स्वीकार किया है, एक ऐसे संविधान के रूप में स्वीकार किया है जिसमें जब जब आवश्यकता होगी और जब जब आवश्यकता पड़ेगी देश के लोगों के लिए संविधान में परिवर्तन किया जाएगा। और निश्चित रूप से इसकी व्याख्या की गई है, 368 में एक पावर दी गई है कि संविधान में जो हमारे मूल विषय है, हमारा मूल विषय भारत के लोकतंत्र का विषय है, हमारी पार्टी उसके प्रति प्रतिबद्धता रखती है। भारत एक गणतंत्र है, हमारी पार्टी उसके लिए एक प्रतिबद्धता रखती है। भारत में चुनाव जो है निष्पक्षता के साथ हो, हमारी पार्टी उसके लिए प्रतिबद्धता रखती है। भारत के लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो, हम तो उस पार्टी के लोग हैं जो लोगों के 1975 में इमरजेंसी में मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए अपने कैरियर को छोड़ करके जेल में गए थे। हमने जेल में जाकर के वो यातनाएं झेली थी, लेकिन हम कहना चाहते हैं जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जो देश की आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ी थी, वो भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के दलों ने लड़ी थी। और मैं यहाँ कहना भी चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर की भारत में एकता का सपना, ये भारत के उन महापुरुषों का सपना है, डॉक्टर लोहिया का सपना है, बाबा साहब का सपना है, देश के उन सब लोगों का सपना है जिन्होंने भारत को बनाने के लिए ये अपना पूरा जीवन दिया है। और मुझे आज ये कहते हुए भी प्रसन्नता है कि हम उस पार्टी का हम प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान जम्मू कश्मीर के लिए दिया था। हम लोग बचपन से कहते हुए आए हैं
जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वो भारत वो कश्मीर हमारा है। और इसलिए लेकिन वो हमारा कश्मीर को लेकर के जो दो विधान के विषय थे उन विषयों को समाप्त किया गया, और इसलिए 370 का जो टेम्परेरी प्रोविजन था वो उस तत्कालिक समय में था। ये एक ऐतिहासिक विषय था जिसको पूरा करने का काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है, जिसके लिए उनको बधाई देनी चाहिए। महोदय, 5 साल में जो सरकार हमारी चली है वो सरकार हमारी किस फिलॉसफी पे चली है, हमारा ये कहना है। और हमने देखा भी है कि इस देश में लोगों ने देशभक्ति पर केवल भाषण लिए हैं, लेकिन अब देशभक्ति पर भाषण नहीं, देश हित में कदम उठा करके भारत की एकता को मजबूत रखा जाए, ये काम हमारी सरकार ने करके दिखाया है। महोदय, इस संसद को ये पूरा अधिकार है, और इस संसद को ये अधिकार है कि संसद उन संवैधानिक प्रावधानों की समीक्षा करे जो संवैधानिक प्रावधान या तो तत्काल प्रभाव से लागू ना होते हो, या जिन संवैधानिक प्रावधानों में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे रखकर अपने देश का जो कल्याणकारी राज्य का जो स्वरूप है उस कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को आगे बढ़ाएं।